विकास दर को उच्च स्तर पर बनाए रखने के लिए रिफॉर्म्स की प्रक्रिया जारी रखी जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आने वाले वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपए का और निवेश किया जाएगा। हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाना ही होगा। नए जल शक्ति मंत्रालय का गठन इस दिशा में एक निर्णायक कदम है जिसके दूरगामी लाभ होंगे। आज समय की मांग है कि एक राष्ट्र एक साथ चुनाव की व्यवस्था लाई जाए, देश का विकास तेजी से हो सके और देशवासी लाभान्वित हों। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की व्यवस्था और भावना को निरंतर मजबूत बनाते हुए मेरी सरकार राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों को साथ लेकर चल रही है। देश में हर बहन बेटी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने हेतु 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों और बेटियों के जीवन को और सम्मानजनक तथा बेहतर बनाने वाले इन प्रयासों में अपना सहयोग दें। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना पर चल रही मेरी सरकार का प्रयास है कि भारत की प्रगति यात्रा में कोई भी देशवासी छूटने न पाए।